Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हमारी बहुत ज़्यादा खुशकस्मती है कि हम डॉक्टर साहब के साथ हैं। इन्होंने खुसूसी टाइम दिया हमें, अल्लाह ताला इनको बहुत बहुत जज़ाए खैर अता फरमाए। इन्हीं के घर पर हैं और इससे ज़्यादा इनका शुक्रिया ये कि इन्होंने हमें रिकॉर्डिंग की इजाज़त दे दी। जज़ाकुमुल्लाह डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपका वक्त बहुत ज़्यादा कीमती है। हमने ये सुना है कि पाकिस्तानी उलमा आपसे खास मोहब्बत करते हैं, इसकी हकीकत क्या है? ये हकीकत है या ऐसे ही खबर अफवाह मशहूर हुई है? नहीं, जब इंडियन सबकॉन्टिनेंट में जो मुसलमान है अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी चाहते हैं और खुसूसन पाकिस्तानी के बहुत पैशन होता है, पैशन जाएगा बोलेंगे जज्बा। तो हम जब मैं दुनिया भर में जाता हूँ, चाहे यूरोप हो, अमेरिका हो, गल्फ कंट्री हो, तो अक्सर ज़्यादा पाकिस्तान में सुन और यहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर पे सबसे ज़्यादा जोर मैं पाकिस्तान में उनके ज़्यादा खैर थे। तो कोई पैगाम आप खास तौर पर उम्मत मुस्लिमा के नाम देना चाहें, जो आप समझते हो कि इस वक्त समझते हैं कि उम्मत मुस्लिमा की बहुत बड़ी ज़रूरत है जिस पर लोगों की तवज्जो नहीं है, यानी कोई ऐसा मैसेज जो आप समझते हो कि जिस तरफ यानी तवज्जो होनी चाहिए मगर है नहीं उस तरफ तवज्जो? मेरे नज़रिए से आज के दौर में सबसे इम्पोर्टेंट आप कहेंगे हथियार या वेपन मेरे नज़दीक है मीडिया। और मेरे नज़दीक जिहाद का सबसे जो फ़ायदा उठाते थे मीडिया से, और हम मुसलमान खुसूसन दीनी काम के लिए मीडिया में बहुत पीछे। दुनियाई काम में फिल्म इंडस्ट्री में आप देखिए बॉलीवुड से 1/3 बॉलीवुड इज़ कंट्रोल्ड बाय मुस्लिम, चाहे एक्टर हो, चाहे सिंगर हो, चाहे प्रोड्यूसर हो, हराम। तो हम ये मीडिया का इस्तेमाल करना चाहिए। और आज जो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है मुसलमानों को सारी दुनिया में या इस्लाम के पैगाम को, वो मीडिया है। कि ओवरनाइट विद इन फ्यू सेकेंड ऑफ फ्यू मिनट्स ऑफ फ्यू आवर्स सफ़े सुखारा साबित कर सकते हैं, दिल बुरा साबित कर सकते हैं, अच्छा आदमी को बुरा आदमी कर सकते, बुरे को अच्छा। तो अनफॉर्चुनेटली कोई दुनिया में से कई इदारे अल्हम्दुलिल्लाह, और अभी अल्हम्दुलिल्लाह चंद साल पहले काफ़ी माशाल्लाह मदारिस भी मीडिया में आ गए, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन मेरी ये ख्वाहिश है कि दे शुड बी स्पेशलाइजेशन, और उसमें हम मुसलमान काफ़ी पीछे। आज आप देखिए सबसे ज़्यादा मीडिया आज का सेटेलाइट है, अब सोशल मीडिया आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल फेसबुक, टम्बलर है, इंस्टाग्राम है, फिर ट्विटर है, स्नैपचॉट है, पिंट्रस्ट है। तो मुसलमान दावती इदारे में जब जाता हूँ दुनिया भर में, चाहे यूरोप में मेरे को, उनके पास एक्सपर्टाइज नहीं है मीडिया की, ध्यान से कर रहे काम और वो समझते हैं कि हम आलमी पैमाने के ऊपर है लेकिन बहुत पीछे हैं। तो अनफॉर्चुनेटली वी डोंट नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दावा करने का तरीका, एक सेटेलाइट पर अलग होता है, रेडियो स्टेशन पर अलग होता है, आम आप 1-to-1 दावा कर रहे तो अलग टेक्निक है, आप पब्लिक पे अगर एक तकरीर कर रहे तो अलग टेक्निक है। आज की साइंस रिसर्च ये कहती है कि अगर एक इंसान स्टेज पे तकरीर कर रहा है, चाहे 100 लोग के सामने, 1000 लोग के सामने, 10,000 के सामने, जो मैटर वो बात करता है, जो मौजू पे जो मवाद कहेंगे आप, वो सिर्फ 7% 7% वेटेज है उसका, 93% इज प्रेजेंटेशन स्किल्स, हाउ डू मॉड्यूलेट योर वॉइस, जेस्चर, आई टू आई कॉन्टैक्ट। तो ये सब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने कुछ दाई को माशाल्लाह वो तोहफा दिया है, अच्छी तकरीर कर लेते, लेकिन देयर इज नो ट्रेनिंग सेशन। किस तरीके से हम मुसलमान नौजवानों को ट्रेन करें, किस तरीके से तकरीर करें स्टेज में, इफ़ यू वॉन्ट टू हाउ टू डू दावा इन द मीडिया फॉर एग्जाम्पल जर्नलिज्म वगैरह टेक्निक है, तो कई इदारे है, मैं जानता हूँ। मैं सऊदी में जा रहा हूँ, खुश हो रहा हूँ कि माशाल्लाह शुक लोग मीडिया कर रहे, बट देयर इज नो सुपर स्पेशलिटी। उन्हें ये टेक्निक नहीं दी कि व्हाट इज़ द डिफरेंस, अगर आप सोशल मीडिया पे सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है, उनको ये पता नहीं व्हाट इज़ द रीच ऑफ फेसबुक, व्हाट इज़ द रीच ऑफ टम्बलर, व्हाट इज़ द रीच ऑफ इंस्टाग्राम, व्हाट इज़ द रीच ऑफ स्नैपचॉट, क्या रीच है ट्विटर का, किस में बेहतर है, व्हाट इज़ द पिंट्रेस्ट, और किस तरीके से हम इसका इस्तेमाल करें, क्योंकि अक्सर ये मीडिया हराम काम के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो किस तरीके से हम इसको हलाल काम के लिए इस्तेमाल करें। तो ये अगर इस पर रिसर्च होकर काम बराबर
तरीके से हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। मैं मुझे जान के बहुत खुशी हुई कि जमीत रशीद में काफ़ी काम हो रहा है, बहुत खुशी हुई अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी साहसी हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि ये और बढ़े, मैं चाहता हूँ कि आप और रिसर्च करें और किस तरीके से इसका इस्तेमाल करें पैगाम पहुँचाने। बहरहाल आपने तो एक फ़र्ज़ किफ़ाया अदा की है उम्मत की तरफ से खास तौर पर, तो ये जो है क्या नाम है आपका जो गैर मामूली हाफ़िज़ा है, लोग अक्सर सवाल पूछते हैं कि डॉक्टर साहब से मुलाकात हो तो बादाम या कोई पिस्ता आप खा रहे हैं उसके बारे में ज़रूर बताएं कि भाई क्या खा रहे हैं। नहीं, ये जो हाफ़िज़ा और तकलीफ है सबसे अवल अल्लाह सुब्हानहू अल्लाह की देन है और अल्लाह तआला फरमाते हैं सूरह मदीना आयत नंबर 160 में कि इफ़ अल्लाह हेल्प्स यू देन कैन फोर्सेक यू, इफ़ अल्लाह फोर्सेक यू देन दे कैन हेल्प यू, तो लेट द बिलीवर्स पुट देयर ट्रस्ट इन अल्लाह। ना अल्लाह आपकी मदद किया तो कोई भी आपको हरा नहीं सकता है, अल्लाह अगर आपको छोड़ दे तो कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता है, तो मोमिन हो अल्लाह पर ईमान ला, तो सबसे अव्वल है अल्लाह की मदद। और मैं हर एक से कहता हूँ जिसमें मेरे शागिर्द है मेरे बेटे थे, कितना भी आप करो तब तक अल्लाह की मदद ने आपका जीरो है, नंबर वन अल्लाह की मदद, उसके बाद जिद्दत है। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह कहूत में आयत नंबर 69 में कि अगर आप अल्लाह के राह में जिहाद करेंगे अल्लाह ताला आपके रास्ते खुलेंगे, और नंबर टू है कि आप जिद्दोजहद करो मेहनत करो अल्लाह आपके रास्ते खुलेंगे। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood Speeches channel.